सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई। सो गाइस सबसे पहले कमेंट करके आप मेरे को अपनी रैंकिंग बताओ गाइस। यार आप सभी लोग की रैंकिंग क्या चल रही है ये चीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। एंड गाइस यहाँ मेरा वर्ल्ड में आए थे और मैं एक रैंडम बंदे के साथ खेल रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पर फाइट देखो हमारी क्या फाइट होती है। एंड गाइस आज मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, उतरते ही डीपी मिल गई और मैंने यहाँ पर ये बंदे को भी फिनिश कर दिया था और थोड़ी देर बाद एक निहत्ता बंदा भी मिल जाता है। तो यार और क्या ही चाहिए ज़िंदगी के अंदर, आप जब गेम खेल रहे हो रैंक पुश कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इस बंदे को नॉक एंड फिनिश करते हैं। और ये खैर मेरा पहला ही गेम है। तो फिर गाइस देखो यहाँ पर हमारी पेटी कैसे बनती है। गाइज मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा वाला स्कैम होता है, वहाँ ऊपर से भी एक बंदा मार रहा था और नीचे से भी एक बंदा मार रहा था। तो यार ये वाले जो कैंपर्स रहते हैं ना भाई, इन पे बहुत ही गुस्सा आता है। पर लेकिन जब ऐसी कैंपिंग करके तुम सामने वाले बंदे को मारो ना तो उतना अच्छा भी लगता है, तो कोई गलत बात नहीं है भाई, क्योंकि हम भी मारते हैं इसी तरह से बंदे को कैंप कर करके कभी कभार, तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर देखो सामने की तरफ कुछ बंदे थे और इनमें से एक बंदे को तो मैं मार देता हूँ। और ये जो लास्ट वाला बंदा था ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा हरामी था, मतलब बहुत जल्दी भाग जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ पर मेरे अभी 5 फिनिशेस हो गए थे और तभी सामने दो बंदे और आ जाते हैं। एंड गाइस सर ये वाला जो कैरेक्टर है ना थोर वाला, मतलब इसको यूज करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि देखो सामने की तरफ वो पोपो वाली गन वाली लड़कियां जाती है जो मेरे सामने अभी आई है, या फिर ये फिस्ट वाला बंदा आता है। तो यार इनको मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि इनकी गोलियां डैमेज तो बिल्कुल भी करती नहीं है। और ये हैमर वाला बंदा भाई एक गोली में भाई बहुत बहुत अच्छी भी खाता है, तो बंदों के अलग जाते हैं भाई इसी की वजह से। एंड गाइस अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में से कुछ हरामी बच्चों की आवाज़ आ रही है तो खैर उनको इग्नोर कर ही देना मेरे भाई, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ी बहुत लूट वूट कर रहा था, तभी राइट से मेरे को साउंड आती है। ये मतलब थोर की पावर, मतलब कुक करते ना जैसे हम नेड को रोक के रखते थोड़ी देर एकदम से फेंकते और बंदे के लग जाते, तो यहाँ पर ये बंदे कुछ इसी टाइप का सोच रहे थे। पर तुम्हारे भाई को साउंड आ जाते कि हाँ भाई ये बंदे यहाँ से मतलब कुछ तो भी एल लगा सकता है मेरे, तो देखो फिर मार देते इन दोनों बंदे को भी इजीली। तो यहाँ पर हो जाते हैं मेरे 8 फिनिशेस और ये पता नहीं कहाँ से आ गई ये पोपो, पता नहीं यार छोड़ो यार अभी इसको। तो जब यहाँ पर हम आए थे ना गाइस इस तरफ घूम रहे थे बंदों को देखने के लिए, तब यहाँ पर हमको कुछ ये दो बंदे स्पॉट होते हैं और इनकी पेटी बनाई दूंगा मैं और क्या भाई। एंड गाइस सर मैंने आपको बताया मतलब अगर इस कैरेक्टर के सामने कोई अनदर कैरेक्टर आता है ना तो भाई मतलब वो बंदा खिलस जाता है यार इससे, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला डैमेज देता है। और मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे साइड में हीलिंग पड़ी थी इसलिए मैं बच जाता हूँ वहाँ पर। तो कोई बात नहीं यार, देखो उसके बाद यहाँ पर स्कैम क्या होता है मेरे साथ, मेरे सामने एक बंदा आता है और मेरी एचपी कम थी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई टीममेट को फाइट लेने देते हैं और बाद में जाकर किल चुराएंगे। एंड गाइस मैं सच बता रहा हूँ मैंने 3-4 बार क्लिक करा, वरना तो आप 10 सेकंड पीछे करके देख लो वीडियो को, पर भाई गोली चली नहीं यार मैं क्या बताऊँ, तो यार दिल से बुरा लगता है मेरे को। तो कोई बात नहीं गाइस देखो उसके बाद जैसे मैं नीचे तरफ आता हूँ मेरे को यहाँ पर यूएस मिल जाती है। एंड गाइस आपको अगर मेरे साथ गेम खेलना है या फिर मेरे साथ रैंक पुश करनी है तो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा, ये वीडियो आप सभी लोग ला सकते देखते रहो मेरे भाई। तो ये वाली बस उठाता हूँ और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो मेरा रैंडम टीममेट था ना वो मतलब बोल रहा था कि भाई यहाँ पर चलो वहाँ पर चलो, तो मैं उसकी नहीं सुनता, मैं अपना गेम आराम से खेलता हूँ और वो अपनी पेटी बनवा लेता है। और उसके बाद यहाँ पर मतलब फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा था मेरे से, तो कोई बात नहीं यार मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। तभी सामने एक बग्गी आई थी, तो ये बग्गी वाले बंदे को मैं उतार नहीं पाया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद से मेरी गन पर रेड डॉट होगा, पर एकदम से 4x इतना बड़ा स्कोप खुलता है तो मेरे पे सही से कंट्रोल नहीं होता और ये बंदा फिर मेरे को नूब बोलने लगता है। तो यार कोई बात नहीं, बंदों को तो इग्नोर करो, खैर इसीलिए मैंने इसका स्पीकर भी ऑफ कर दिया था और अपना माइक भी ऑफ कर ही दिया था। तो देखो यार सामने की तरफ मेरे को तभी एक बंदा सपोर्ट होता है, तो मैं इसके ऊपर नेट फेंक करके इसको पैनिक करने की ट्राई करता हूँ। एंड गाइस सर यहाँ पर मेरा नेड काम कर जाता है, उस बंदे को इजीली फिनिश कर जाता है यहाँ पर। खैर वो बंदे भी ने भी मोली फेंकी थी,
तो कोई बात नहीं यार। देखो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहा था मैं, तभी सामने से एक गेम चल दिया। तो आपको बताऊँ तो ये गेम जो था ना, ये मेरा फर्स्ट ही गेम था। खैर कितनी बार बताऊँगा मुझे नहीं पता। तो देखो यार यहाँ पर जो है ना, इस गेम के अंदर मैं ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं खेल रहा था, पूरा मस्ती में गेम खेल रहा था। मज़े में कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो होगा देखी जाएगी। तो ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं ले रहा था मैं एक तरह से। और वही आपको लास्ट में दिखने वाला है, किस तरह से पेटी बनवाने वाला हूँ मैं इस गेम के अंदर अपनी। तो कोई बात नहीं यार, अभी देखो यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदे को मैं फिनिश करता हूँ, और सामने स्मोक भी हो रहा था, तो मेरे को लगता है कि शायद से वहाँ पर ही बंदे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे जा नहीं रहा था, बार बार वहाँ पर स्पोर्टिंग कर रहा था, कभी कहीं पर मेरे को कोई बंदा स्पोर्ट हो जाए। और सामने डास है, डूस है भी इसी टाइप से लगी हुई थी, थोड़ा बहुत मतलब बंदे के होने के चांसेस थे, पर कोई भी मेरे को यहाँ पर स्पोर्ट नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा भाई पीछे चले जाते, थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं गेम के अंदर, जोन अपने ऊपर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी फाइट होती है, और उसके बाद लास्ट के बचे थे यहाँ पर 3 बंदे, और 3 में से 1 बंदा मैं था यहाँ पर। तो मतलब मुझे नहीं पता था, खैर यहाँ पर 1v1v1 है या फिर 1v2 है, यहाँ पर मैं अकेला हूँ, सामने वाले 2 बंदे हैं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर लेकिन आपको वीडियो के आगे चलकर पता लग जाएगा। तो यार अगर आप में से किसी भी बंदे को मेरे साथ गेम खेलना है या फिर मेरे साथ रैंक कुछ करनी है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलो, उसमें आपको कैरेक्टर आईडी दिखेगी, जो खैर मेरी ही कैरेक्टर आईडी है। और वहाँ पर आओ, गेम के अंदर आओ, और मेरी कैरेक्टर आईडी को सर्च करके आप सिंपल एक काम करना, मेरा क्लैन ज्वाइन कर लेना, या फिर मतलब खैर क्लैन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट तो मेरी फुल ही है। क्लैन ज्वाइन कर लो और वहाँ से मेरे को इनवाइट करोगे तो मैं आपके साथ गेम ज़रूर से खेल लूँगा, क्योंकि बहुत बंदे बोलते हैं रैंक पुश करने के लिए साथ में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रैंक पुश करनी है मेरे साथ, तो गाइस सर आप मेरे को क्लैन में रिक्वेस्ट भेज देना, अगर आपको मेरे साथ गेम खेलना है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद से थोड़ा लेट हो जाए क्लैन में, आपकी रिक्वेस्ट थोड़ी लेट एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि सिर्फ मैं दोपहर में ज़्यादा गेम खेलता हूँ, वरना उसके बाद मैं रात में या फिर दिन में कभी भी गेम नहीं खेलता, सिर्फ मैं 12 बजे के बाद ही गेम खेलता हूँ, 3-4 बजे तक। तो शायद से मैं आपको कर लूँगा, खैर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कोई बात नहीं, अभी देखो पीछे की तरफ से जोन आ गया था यहाँ पर, और जोन खैर अपने ऊपर ही था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा था जोन का, और मतलब थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेते हैं आराम से। पर लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद जैसे मैं इस जगह पर आता हूँ ना, तभी सामने से मेरे को एक बंदे के कूदने की आवाज़ आती है, एक तरह से चलने की आवाज़ आती है। तो फिर मैंने सोचा भाई मतलब ये सामने ही था, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा था कि वो बंदे की साउंड आई किस तरफ से थी मेरे को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा होकर के स्पॉट करता हूँ, तभी सामने वो बंदा दिख जाता है मेरे को। एंड गाइस ये वाला बंदा लेफ्ट से इतना गंदा वाला सरप्राइज अटैक देता है यार, क्या ही बताऊँ। तो कोई बात नहीं गाइस, सर आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी जैसे कमेंट करें, तो गाइस नए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट भी कर ही देना मेरे भाई, और ये वीडियो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर दो यार।